अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स में जो अगला टॉपिक हमने करना है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उसमें से पहली चीज है वो लिम्फेंजाइटिस है। जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये लिम्फेंजाइटिस देखने में बुक में बहुत छोटा है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया करता है। और उसमें ना बाकी सारी बातें वैसी ही होती हैं जैसे आपकी समझ लें कि किसी भी एडिमा की टाइप की बातें होंगी, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खास है जो आपने जिससे इसको पहचानना होगा। सिनेरियो आता है, सपोज कि अ बॉय प्रेजेंट्स टू यू विद द कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द लेग अलोंग विद स्वेलिंग ऑफ द लेग। अभी पेन एंड स्वेलिंग तो मतलब कुछ बहुत सारी चीजों में हो सकती है, अलोंग विद सिर्फ वो मतलब जो भी सिनेरियो देंगे कि उसको कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसके साथ साथ वो बताएंगे कि द रेड स्ट्रीक्स वर गोइंग अप इन द डायरेक्शन ऑन हिज स्वॉलन लेग। ठीक है, तो जब वो रेड स्ट्रीक्स का जिक्र कर देना, फिर आपने याद रखना कि आपने और कोई डायग्नोसिस नहीं लिखना तकरीबन 99% ऑफ टाइम्स में सिवाय लिम्फेंजाइटिस के। लिम्फेंजाइटिस नाम से वैसे पता चल रहा है कि इट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स। ठीक है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो लिम्फेंजाइटिस। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आपका लिम्फ नोड्स को जाके इफेक्ट करता है, वो आपका वुशर एरिया होता है, वो फाइलेरियसिस कॉज करता है। लेकिन जब आपकी स्पेसिफिकली जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जैसे सबक्यूटेनियसली लोकेटेड बिल्कुल उसके लिए नीचे है, उनकी जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज आपका, अगर आपसे पूछते हैं, हमेशा वो आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं मोस्ट कॉमन कॉज के, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो आपका बैक्टीरिया है ना, वो आपका मोस्ट कॉमन कॉज में आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप स्टेफलोकोकस लिखते हैं, लेकिन आपने याद रखना है मैंने आपको क्या बताया, रेड स्ट्रीक्स, इस बात को आपने नहीं भूलना, रेड स्ट्रीक्स गोइंग अप ऑन द स्किन। स्किन पे ऐसे आपको लाल लाल धारियां नजर आएंगी ऊपर जाती हुई, जो कि बेसिकली स्वॉलन टेंडर लिम्फेटिक वेसल्स होंगी जो इसमें आपको नजर आती है। ठीक है, कॉज की हमने बात कर ली, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब ये इन्फ्लेमेशन आपके जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स तक फैल जाती है, तो फिर उस कंडीशन को हम लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, हमने ये दो लफ्ज पढ़े हैं ना, लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडिनाइटिस। तो लिम्फेंजाइटिस तब कहने जब हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जब नोड्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो लिम्फेडिनाइटिस उसे कहते हैं, लेकिन हमसे सिनेरियो लिम्फेंजाइटिस का ही पूछते हैं। उसके बाद आपने जो क्लिनिकल फीचर्स जिसमें पेशेंट के प्रेजेंटिंग होते हैं, मैंने आपको बताया कि पेन है, स्वॉलन है, रेड स्ट्रीक्स ऊपर की तरफ जा रही है, साथ उसको फीवर वगैरह भी हो सकता है, जाहिर इन्फेक्शन है। ठीक है, फीवर हेडेक में लीज बच्चों में ज्यादा कॉमनली है, वो आपको बताते हैं। ट्रीटमेंट में आपने ये सारी बातें लिखनी होती है कि हम उसको बेड रेस्ट का कहेंगे, लिम एलिवेशन का, उसकी पेन रिलीफ के लिए आप उसे एनसेट्स देंगे या कोई और स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स देंगे, कैन बी गिवन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, या आपने पूरी बात लिखनी है, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट रेजिमेन। तो रेजिमेन में जाहिर आप यही सारी कहानियों को जरा डिटेल में लिख देंगे, और तो कोई रेजिमेन है नहीं यहाँ पे। एनसेट्स, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स आपने ओपियोइड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देने होते हैं। कल्चर एंड कल्चर तो है नहीं कराते, इतना ब्लड कल्चर करा लेते होते हैं, उसके कल्चर एंड सेंसिटिविटी के हिसाब से देते हैं। वैसे अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देना है तो यू कैन राइट के एम्पिसिलिन देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस है, या फिर आप जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, सेफ्ट्राएक्सोन वगैरह वो दे सकते हैं, या फिर आप आ जाए क्विनोलोन्स पे आ जाए कि आप दे देंगे ये अपनी ऑफ्लॉक्सासिन, ये तो इतना चले नहीं, सिर्फ प्रोफ्लॉक्सासिन लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ट्रीटमेंट रेजिमेन बताना, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, वार्म कंप्रेशन देंगे उस एरिया पे, और वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेशंस वैसे नॉर्मली पूछते नहीं, क्योंकि इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है, तो कभी आपसे कोई पूछेगा कि डायग्नोसिस कैसे करें, तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करानी हुई तो जनरल इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड सीपी जरूर करानी है, ईएसआर सीआरपी करानी है, ठीक है, ये सारे आपको पता चल जाएगा। ब्लड सीपी में जाहिर सी बात है वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होंगे, ईएसआर सीआरपी रेज होंगे, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसके साथ फिर आप करा लेंगे जो बेस लाइन्स वगैरह, बाकी कराने की जरूरत नहीं है, फिर आप ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा देंगे, ठीक है, सीएस कराएंगे, ताकि उस पर आपको पता चल जाए कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसके साथ और किसी चीज की जरूरत नहीं होती नॉर्मली, और ये आपकी इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। ठीक है, फिर आपके एक और जो क्वेश्चन आता होता है बड़ा ही फेवरेट सा और बड़ा ही आसान सा, वो है सिस्टिक हाइग्रोमा का। बेसिकली होता क्या, हमारी बॉडी में जब ये लिम्फेटिक वेसल्स बन रही होती है और सब कुछ, ये सारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर हम जाए ना, तो जो वेन्स पहले बनती है, ये आपकी सपोज वेन्स बन गई, मैंने आपसे कहा ना कि लिम्फेटिक सारी वेन्स के साथ साथ चल रही होती है, इन वेन्स के ही एंडोथीलियम में से ऐसे आउट पाउचिंग होती है, मतलब यू आउट पाउचिंग होकर बाहर चीजें आती हैं, और आपकी ये लिम्फेटिक वेसल्स और सैक्स बनते हैं। आपको पता है कि लिम्फेटिक्स जो रन कर रही है हमारी, उसमें कहीं की जगह पर डायलेटेड लिम्फेटिक्स आती है, जिनको हम लिम्फेटिक सैक्स कहते हैं, जहां पर ज्यादा लिम्फ इकट्ठा होता है। जैसे हमारे पास जो बड़े बड़े एरियाज हैं, वो आइलिक एरियाज में दो बड़े बड़े लिम्फेटिक सैक्स हैं, फिर आपके रेट्रोस्टर्नल एरिया में स्टर्नम के पीछे सैक पड़े हुए हैं, एक्सिलरी एरिया में सैक पड़े हुए हैं, उसके साथ आपके जो सिस्टर्ना काइलाय है वो बहुत बड़ा सैक, और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, वहां पड़े हुए हैं।
तो होता कि ये सारे लिम्फेटिक सैक्स की वो जगह जहाँ पर लिम्फ वेसल्स थोड़ी डायलेट कर जाती है और ज्यादा लिम्फ इकट्ठा होता है। और ये सब कुछ बनता कैसे, ये सब बनता है आपकी वेन्स में से आउट पाउचिंग की वजह से। जो वेन्स के एंडोथेलियम वो आउट पाउच करते तो ये लिम्फेटिक सैक्स भी बनते हैं और बाकी जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो बनता है। अब होता कि कंजेनिटली कभी कभार कि ये जब आउट पाउचिंग होती है ना, तो ये ऐसी आउट पाउचिंग होती है कि ये लिम्फेटिक सैक तो बनाता है लेकिन सैक के साथ एक और स्वेलिंग सी बन जाती है, ठीक है, मतलब ज्यादा चीज खराब सी आउट पाउच कर जाती है, जैसे कि यूं किया था, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल आउट पाउचिंग है ना जो हो रही है अभी शुरू में है। ये आउट पाउचिंग एक हद तक होनी चाहिए और उसके बाद उसका वेन से कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक हद तक हुई, उसके बाद वेन से इसका कनेक्शन खत्म तो हो गया लेकिन ये बढ़ती गई। जो स्वेलिंग थी ना, सपोज सैक ने इतना बड़ा बनना था, इससे ज्यादा बड़ा सैक नहीं होना चाहिए था, मतलब नॉर्मल अमाउंट में अगर सैक में फ्लूइड अभी इतना कलेक्टेड नहीं है तो ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा सैक होता, लेकिन ये सैक बढ़ता गया और ये बहुत बड़ा सैक बन गया। जब ये बहुत बड़ा सैक बन जाएगा, वेन्स इसका कनेक्शन खत्म हो गया और बाकी लिम्फेटिक सिस्टम सारा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि लिम्फ इसमें इकट्ठा होता जाएगा तो क्लियर सा फ्लूइड होता है, आपको पता है लिम्फ इतना कोई बहुत ज्यादा टर्बिड मतलब बिल्की सा होता है लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हो। तो क्या होगा कि ये बहुत बड़े जब सैक बन जाते हैं तो ये सब क्यूटेनियस, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स होती है तो जहां जहां पर स्किन के बहुत करीब होते हैं वहां पर स्किन में एक स्वेलिंग आती है। मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है क्योंकि कंजेनिटल होता है और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज द फेवरेट प्लेस, वहां वाला जो सैक है वो सबसे कॉमनली इलाज होता है। तो आपको सिनेरियो जो आता है ना, वो आता है कि एक बच्चा प्रेजेंट किया कि नेक के पीछे वाले हिस्से में एक स्वेलिंग है विच इज सॉफ्ट, विच इज मूवेबल, इजिली मूवेबल, विच इज हाईली ट्रांस इल्यूमिनेट, मतलब उसमें से लाइट पास करते हैं आराम से हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लियर फ्लूइड है और उसमें पेन भी नहीं है, तो वो क्या है, ठीक है। ये सिनेरियो बहुत कॉमनली आता है, तो सिस्टिक हाइग्रोमा होता है। क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि एक स्वेलिंग है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में है, सॉफ्ट है, ट्रांस इल्यूमिनेट है, कंप्रेसिबल है और इजिली मूवेबल है, फ्लक्चुएंट है, ठीक है जी। फ्लक्चुएंट का मतलब होता है आप एक तरफ से हाथ मारेंगे प्रेस हो जाएगी, दूसरी तरफ से उंगली मारेंगे प्रेस हो जाएगी। तो अब आप इसकी हमसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए इसमें दो तरीके, जाहिर है हम इसको सर्जिकली खत्म करना होता है, अदरवाइज ये बड़ी होके और प्रॉब्लम, मतलब जाहिर है फिर डर होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, स्किन चेंजेस ना आने लग जाए, तो सर्जिकली उसको खोलना और उसके बाद जो आपकी स्वेलिंग के अंदर जो भी कोई लोकुलेशन बनी हुई है या सिस्टिक फ्लूइड है वो सब ड्रेन करके इसको खत्म कर देना, यहां से ऑब्लिट्रेट करना बहुत जरूरी है ताकि ये दोबारा रिकर ना करे। उसके अलावा जो आप कर सकते हो ये कि आप कोई ऐसा एजेंट बीच में इंजेक्ट कर दे जो अंदर उसको फाइब्रोस कर दे और ऐसा ऐसा सारा फ्लूइड बीच से खत्म हो जाए, स्क्लेरोथेरेपी उसको कहते हैं, ठीक है जी। कि हाइपरटोनिक सलाइन वगैरह आप डाल देते हैं इसमें जो एज अ स्क्लेरोजिंग एजेंट एक्ट करते हैं और सारे को खत्म करा देते हैं अंदर से। तो लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन सर्जरी होती है, जिनमें सर्जरी अफोर्डेबल नहीं होती उसमें हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। बस ये यहां तक बातें इंपॉर्टेंट थी आपके लिम्फेटिक के चैप्टर में। फिर आपने वो याद रखनी एक दो एमसीक्यू की बातें थी कि जो आपके पास सिनेरियो आता होता है ना कि एक फार्मर है, जो फार्मर तो नहीं मतलब जो काम करता है किसी ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाला एक बंदा है जिसको ज्यादातर नंगे पांव चलने की आदत है, उसको वो कहते हैं कि हो गया लिम्फेडेमा, नीचे उसके टांगे और पांव एकदम से बहुत सूजने लगे, और ये चीज बहुत सारे लोगों में उस एरिया के मिली है। तो जो याद रखना है कि जब भी इंडेमिक एलिफेंटियसिस होता है ना, इंडेमिक का मतलब है बहुत सारे लोगों को एक साथ होना, मतलब इंडेमिक एलिफेंटियसिस बहुत सारे लोगों को एक साथ ही होता, मतलब एक एरिया में एलिफेंटियसिस कॉमन है, ठीक है, इंडेमिक है। और एलिफेंटियसिस क्या है कि जब भी आपके लोअर लिम्ब में जो लिम्फेडेमा होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि आपके एलिफेंट जैसे पहुंच जाते हैं उसको एलिफेंटियसिस कहते हैं, वो कभी भी आपका फाइलेरियसिस की वजह से नहीं होता। ये भी एमसीक्यू हम गलत कर देते हैं कि हम वो सिनेरियो हमें लंबा सा बना के देते हैं कि एक लोग था बंदा आया, वो बताता है कि उसकी टांगे पांव सूजे रहती है, वो कहते हैं कि उसके इलाके के लोगों के अक्सर ऐसा मसला होता रहता है, उसको उसका ताल्लुक ट्रॉपिक्स से है और वो नंगे पांव से चलता है, और अब बताएं कि उसको जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से हुई है। तो आपने कभी भी फाइलेरियसिस नहीं करना, हमेशा फर्स्ट लाइन जो आपके जहन में आता है फाइलेरियसिस आता है, लेकिन एलिफेंटियसिस जो इंडेमिक है ना वो होता है हमेशा पोडोकोनियोसिस उसको कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो ट्रॉपिकल एरियाज में बेयर फुटेड चलते हैं वहां पर होता क्या है कि जब आप जो फसलें होती है ना उनमें सिलिका पार्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग जो फसलों की वो होती है ग्रोथ और उस सब के लिए, वो सिलिका पार्टिकल्स उनके पाओ के जरिए उनके अंदर जाते रहते हैं और वो डैमेज करते हैं आपके लिम्फ नोड्स को। मैंने बताया था ना सिलिका पार्टिकल्स इज वन ऑफ द डैमेजिंग कॉज और उसकी वजह से लिम्फेडेमा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोडोकोनियोसिस नियोसिस। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, आपने याद रखना है। ट्रॉपिकल एरियाज में बेयर फुटेड चलने वालों में, फार्मर्स में जो कि जिनके सिलिका पार्टिकल्स उनके अंदर चले जाते हैं उसको आपने इंडेमिक एलिफेंटियसिस होता है उस इलाके के लोगों में और वो पोडोकोनियोसिस होता है। ये होगी थी बात एक इंपॉर्टेंट, बस ये कुछ था और कोई खास नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं किसी को मसला, थैंक यू।